Good afternoon. May I request the Honourable Prime Minister of India to deliver a statement to the press. Your Excellencies, President Tusk, our President Juncker, Shishtamandal ke sadasyagano, media ke saathiyo. Mujhe prasannata hai कि 14वें इंडिया यूयू शिखर सम्मेलन के अवसर पर हमें प्रेसिडेंट टुस्क और प्रेसिडेंट यंकर का स्वागत करने का सौभाग्य मिला. यूरोपियन यूनियन के साथ बहुआयामी साझेदारी हमारे लिए बहुत मूल्यवान है और हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अहम महत्व रखती है. 1962 में यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी की स्थापना के बाद भारत उससे डिप्लोमेटिक संबंध स्थापित करने वाले सबसे पहले देशों में था. यूरोपियन यूनियन काफी लंबे समय से हमारा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए भी यूरोपियन यूनियन हमारे सबसे बड़े स्रोतों में से एक है. विश्व की दो सबसे बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के रूप में हम एक प्रकार से स्वाभाविक साझेदार हैं. हमारे घनिष्ठ संबंधों की नींव लोकतांत्रिक मूल्य, विधि अनुसार शासन यानी रूल ऑफ लॉ, मूलभूत स्वतंत्रताओं और बहुसंस्कृतिवाद यानी मल्टी कल्चरलिज्म जैसा साझा मान्यताओं पर रखी गई है. साथ ही साथ हम दोनों के बीच मल्टीपोलर और रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर की विचारधारा भी साझा है. पिछले वर्ष ब्रसेल्स में 13वें शिखर सम्मेलन के बाद हमारे संबंधों में काफी गति आई है. प्रेसिडेंट यंकर के कुछ दिन पहले के संबोधन के शब्दों में कहूं तो इंडिया यूयू रिलेशंस टुडे हैव ए गुड विन इन देयर सेल्स. फ्रेंड्स, आज की हमारी मुलाकात में हमारे सहयोग के व्यापक एजेंडा पर हुए उपयोगी विचार विमर्श के लिए मैं प्रेसिडेंट टुस्क और प्रेसिडेंट यंकर का हृदय से आभार प्रकट करता हूं. हम कई नए क्षेत्रों में अपने संबंधों का विस्तार करने में सफल हुए हैं और हम इस बात पर सहमत है कि आपसी विश्वास और समझ पर आधारित इन संबंधों को हम अधिकाधिक व्यापक और लाभकारी बनाने की दिशा में प्रयास करते रहना चाहिए. पिछले वर्ष के हमारे एजेंडा 2020 और 13वें शिखर सम्मेलन में लिए गए निर्णयों के क्रियान्वयन की आज हमने समीक्षा की. आतंकवाद के खिलाफ मिलकर काम करने और इस विषय पर अपने सुरक्षा सहयोगों को बढ़ाने पर हम दोनों सहमत हैं. इस विषय पर हम न सिर्फ द्विपक्षीय स्तर पर अपना सहयोग मजबूत करेंगे बल्कि वैश्विक मंच पर भी अपना सहयोग और समन्वय बढ़ाएंगे. क्लीन एनर्जी और क्लाइमेट चेंज के विषय पर हम दोनों 2015 के पेरिस एग्रीमेंट पर प्रतिबद्ध हैं. क्लाइमेट चेंज के विषय पर काम करना और सिक्योर, अफोर्डेबल और सस्टेनेबल ऊर्जा हम दोनों की साझी प्राथमिकताएं हैं. हम रिन्यूएबल एनर्जी की लागत कम करने के विषय पर भी सहयोग करते रहेंगे. हम स्मार्ट सिटीज के विकास और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने के विषय पर यूरोपियन यूनियन के साथ सहयोग मजबूत करेंगे. मुझे प्रसन्नता है कि इंडिया यूई हॉरिजॉन्टल सिविल एविएशन एग्रीमेंट अब क्रियान्वित हो गया है. मुझे विश्वास है कि इससे हमारे बीच एयर कनेक्टिविटी बढ़ेगी और पीपल टू पीपल संबंधों को बल मिलेगा. हमारे संबंधों का एक महत्वपूर्ण आयाम है हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी और रिसर्च एंड इनोवेशन में सहयोग. इस संदर्भ में आज युवा वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के आवागमन यानी मोबिलिटी पर हुए समझौते का मैं स्वागत करता हूं.
यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक द्वारा भारत में विकास के प्रोजेक्ट के लिए किए गए लोन एग्रीमेंट्स का भी मैं स्वागत करता हूं। मुझे इस बात पर भी प्रसन्नता है कि यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक अब इंटरनेशनल सोलर अलायंस के सदस्य देशों को मैं सोलर प्रोजेक्ट की भी सहायता करेगा। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के विषय पर भी भारत और यूरोपियन यूनियन अपने संबंधों को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। योर एक्सलेंसी, भारत और यूरोपियन यूनियन की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मजबूत करने में आप दोनों के नेतृत्व और योगदान के लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं। मेरी यह आशा है और अपेक्षा रहेगी कि भारत की आपकी आगामी यात्रा इतनी कम अवधि की न हो। धन्यवाद।